नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आयंगारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मान मणिकांतं चात्मुक्तं मंगलं वंदे संदष्ट सिद्धार्थं संदच्छात प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुन्नकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं पुराणं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां जगद्विद्यादर्पणायते मंगलमय मंगलकरणवीतराग विज्ञान नमो कायाते भये अर्हंतादि महान ओम नमः। जो पराधीन है वह विश्वसनीय कैसे हो सकता है, सुख का कारण कैसे हो सकता है? मत सोच आदि ज्ञान की पराधीन अवस्था समझकर इस मत सोच ज्ञान का भरोसा मत करो भाई, भरोसा मत करो, अभिमान मत करो। हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत होशियार हैं, अभिमान मत करो। ये मत शुद्ध ज्ञान अनेक प्रकार से पराधीन है। समय रहते सदुपयोग कर लेना चाहिए। सच पूछो ये ज्ञान कहा जा गया है, लेकिन ये ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। जब तक भेद ज्ञान न हो, स्वसन्मुखता न आए, तब तक तो ये एकांत इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय और मन के द्वारा कहाँ प्रवर्तेगा? केवल बाहर में प्रवर्तेगा। तो ये ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। मत सुता बधियो विपर्यास्य, मत सुता बधियो विपर्यास्य। ये तो विपरीत भी होते हैं, और जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब तक विपरीत ही होते हैं। अब विचारना, विपरीत क्या हुआ? अज्ञान को ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, होशियार आदमी लौकिक में भी उसे कहते हैं जो कहीं उलझे नहीं, ठगाया न जाए। होशियार आदमी काय का होशियार आदमी, दो पैसे का काम और 20 रुपये बर्बाद कर दे, 10 मिनट का काम और 2 घंटे लगा दे। विचार ना, क्या कहा? 10 मिनट का काम और उसको भेजे, वो 2 घंटे लगा दिए। अथवा तो वो काम ही खत्म, पता ही नहीं पड़ो, अपने और काम में लग गए। ठगाया जाए, समझ गए? ये ठगाना है। 10 रुपए का काम और 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया खर्च कर डाले। शास्त्रीय भाषा में बोलोगे, कोई दृष्टांत याद है तुम्हें? शास्त्रीय भाषा में उदाहरण, दृष्टांत नहीं, उदाहरण।
कानी कौड़ी काज कोरन को लिख देत खत ऐसे मूलख राज जगवासी जी देखी। ऐसा कोई नहीं होगा, कैसे ही तो हैं। कानी कौड़ी विषय सुख भव दुख करज अपार बिना दिए नहीं छूट बेशक दाम होगा। ये बनिए कि वो साहूकारी की उधारी नहीं है कि हमें नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे जा, बिना दिए नहीं छूटे ले सक दाम उधार। और ये भी तुम्हारी दृष्टि से छूटी, तुमने सोच लिया नहीं दे रहे जा, देना तो पड़ेगी। इस भव में नहीं दे अगले भव में दोगे, घोड़ा बन के दोगे, गधा बन के दोगे, बैल बन के दोगे, ऊंट बन के दोगे, ऊंट बलद बैल भैंसा भयो तापे लादे भार अपार। और नहीं चले तो पापी दे सोटन की मार। उसने सोच लिया जी बेचारा सीधा साधा आदमी ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं, चलो है उसको ठग लिया। तमाम लोग ऐसे पड़े हैं दुनिया, भैया क्या कह रहे तुम, काय का होशियार, अपने को होशियार मत समझना। होशियार तो वह है जो अपने समय का, शक्ति का, बुद्धि का सदुपयोग करे, सत असत का विवेक रखे, असत से निवृत हो, सत में लगे। होशियार तो वह है जी अपना अच्छा पहनने लायक कुर्ता का दे दियो फटी बच्चे दर लेने से होशियार हो। विचार करो ये परा मत सोच, ज्ञान अनेक प्रकार से पराधीन है और इंद्रिय सुख का भी लक्षण यही अनेक प्रकार से पराधीन है कि नहीं। तो जिस प्रकार से वो इंद्रिय ज्ञान भी है वो इंद्रिय सुख, उसी प्रकार भी इंद्रिय ज्ञान भी है ही समझो। क्या कह रहे महाराज, कानों से जिनवाणी सुनती है, आंखों से भगवान का दर्शन करती है, ये क्या मतलब, काम का भी है भैया, सार्थक करो। कानों से जिनवाणी सुनते हो, क्या सुनते हो, सुनी अनसुनी करते रहते हो। जो केवल कानों से जिनवाणी सुनता है आत्मार्थी होकर के नहीं, आत्मार्थी होकर स्वाध्याय नहीं करता, उसका पठन पाठन अध्ययन श्रवण आदि आत्म कल्याण का निमित्त नहीं होता। चर्चा चल रही भैया, स्वलक्ष्य से स्वाध्याय करो। सवेरे ये चर्चा की थी, स्वलक्ष्य से स्वाध्याय क्या मतलब हुआ। अगर हम इंद्रिय ज्ञान को कुछ योगसम है और हम अपने को बहुत होशियार समझ बैठे, ये बहुत बड़ी भूल होगी हमारी। होशियार तो वह है जो इंद्रिय ज्ञान को हे समझता है, होशियार तो वह है जो इस इंद्रिय ज्ञान को, पराधीन ज्ञान को हे समझता है। भाई सुनो भाई मंत्रान जो चाहो अपनो कर लिया, ये तो शास्त्र में लिखा है। ऐसी अनेकों घटनाएं देखने मारती, खूब पढ़ाई और आठ आठ घंटे तो कुछ होता ही नहीं, अठारह घंटे पर, और ऐसे पागल हो गया कुछ पता ही नहीं पड़ा, बीमार हो गया, पागल हो गया। सभी कहा था ना अभिमान नाश के कारण तो अभिमान है, तेरे विषया शक्ति है, ज्ञान के भी नाश के कारण यही है प्रमाद, अभिनय
अभिमान विषयाशक्ति ये तेरे ज्ञान के नाश के कारण है। दोपहर में जाने क्या कौन था पता नहीं सब कैसे चल रही। हमने देखो बेटा जैसे अल्पाहार अल्पभाषी होना कम बोलना। दो लोगों का चार लोगों का भोजन है उसमें शुद्धता रह जाएगी। अब पंगत के भोजन में क्या शुद्धता होगी कि वो शोध को अलग से बनो अलग से बनो माने अलग ही स्थान हो तो अलग से बन पाएगा और वहीं करैया में पहले वहीं करना चाहो तो मुश्किल पड़ेगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाथ पाथ लग ही जाएंगे परेशान हो ज्यादा भोजन में फिर शुद्धता नहीं रह पाएगी। ऐसे ही ज्यादा बोलने में शुद्धता नहीं रहेगी भाषा। ज्यादा मत बोलो बहुत कम बोलना सीखो। अल्प भाषी होना अल्प परिचयी होना अल्पहासी होना बस यही में गए काम। अल्प परिचयी होना कहा ये कौन है। अरे होगा भैया कोई अनादर और अवात्सल्य की बात नहीं है। बात अप्रयोजन भूत के निषेध की है। अल्प परिचयी होना अल्पभाषी होना अल्पहासी होना अल्पहारी होना तो ये आत्मार्थ साधना है। जैसे गरीब आदमी एक एक पैसा बचा तो भैया मकान बनवाने अब कि एक कमरा बनवा लें सोच रहे एक एक पैसा बचाता है अब की ठंड आ रही सोच रहे एक रजाई बनवा लें। गरीबी तुम जानते नहीं हो। ऐसे अपने पास अल्प पूंजी है एक एक थोड़ा थोड़ा समय बचाओ शक्ति बचाओ बुद्धि बचाओ। ये उपदेश हम कितनी बार कह चुके अब दो मिनट में क्या होता है। दो मिनट में नमोकार मंत्र पढ़ लो एक दो चार लाइन का भजन पढ़ लो दो मिनट में क्या होता है। विकथा से दुश्चिंतन से बच जाओ। पांच मिनट में तो पांच मिनट का अपना तैयार रखो एक पाठ पढ़ लो पांच मिनट का दस मिनट में एक कहानी पढ़ लो चल। अब क्या करें टाइम नहीं मिलता टाइम नहीं मिलता बातें गप्पे ठोंकते हो कहीं यहां खड़े कहीं वहां खड़े टाइम नहीं मिलता टाइम नहीं मिलता। काम के लिए क्या हो तो पढ़ाई का नाम आ जाएगा और पढ़ाई के नाम पे बस विकथा और बातें। देखो लोगों ने कैसे पढ़ा लिखा है। रोटी बनाई कमाई और पढ़ाई करी और ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गई। ऐसा कुछ नहीं पढ़ाई 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 करती रहती। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान बढ़ाने में लगा रहता है। बढ़ाने में लगे हो तुम इंद्रिय ज्ञान को। इस ज्ञान को सम्यक बनाओ सम्यक बनाओ। भाई वहां से दूध लाना है साफ सुथरा बर्तन ले जाओ दूध ले आओ है साफ सुथरे बर्तन में अपने गर्म करो। ये तो व्यवस्था है। बाद बाकी पीने में न बर्तन की जरूरत न नाप की न तौल की कुछ जरूरत नहीं। आपको दृष्टांत बताया था एक दूध बेचने वाला भाई बैठा तो दूध यानी आधा लीटर हमको देना नहीं एक लीटर हमको देना दो लीटर हमको पैसा ले जा दे जा पैसा ले जा दे जा। एक प्यारा सा बच्चा आया गरीब सा कहा हमको देखा न जाने क्यों बादशाह ले आ गया उसको। उसने उठाया और उसके बर्तन गिलास भर दिया ओके जा गिलास भर दिया ओके जा
चला आया वो तो खुशी के होते हुए देख रहे थे। गुरु चेला समझ में नहीं आई कि जी कहा समझ में नहीं आई, गुरु जी की तो समझ में आ गई, चेला की समझ में तो नहीं आएगी। अगर ये पूछा गुरु जी कहा हो जी बिना ना पे पैसा पैसा, बोले प्रेम में हिसाब किताब नहीं होते। प्रेम में हिसाब किताब नहीं होते, बिना पूछा कैसा देते। जहां हिसाब किताब आ गए वहां तो आटे पड़ गए, प्रेम खत्म। प्रेम में हिसाब किताब नहीं होते, लौकिक बात है। ऐसे ही मुख्य मार्ग ये मत ज्ञान सुत ज्ञान अनेक प्रकार से पराधीन है। अनेक प्रकार में एक प्रकार बता, पहला प्रकार। अरे जितना पढ़ लिया उतने में से ही पूछ रहे हम, ज्यादा आउट ऑफ कोर्स नहीं कर रहे। बोलो नंबर एक, जितना मत सुत ज्ञान वर्ण कर्म का छो सम है उतना ज्ञान प्रकट है। केवल ज्ञान तो नहीं है सो नहीं है, मत सुत ज्ञान भी पूरा कहाँ है तुम्हारे पास, जितना होना चाहिए। तो एक तो कर्म का छेव सम हो गया नंबर, दूसरा फिर इंद्रियां स्वस्थ हो, आंखों में विषयों का निकटवर्ती उसका क्षेत्र है, आंखें देखती हैं, लेकिन क्या कितनी दूरी तक तुम्हारी आंखें थोड़ी देखती हैं, अंधेरे में थोड़ी देखती है। जिव्या स्वाद लेती है, लेकिन जिव्या यहां रखी हुई वस्तु का स्वाद क्या, यहां रखी हुई वस्तु का नहीं लेती। अब सन्निकट हम इसलिए नहीं कहा कि आंख का जो है वो सन्निकट नहीं है, सन्निकर्ष बोला, सन्निकर्ष शब्द है वहां, वो आंख का नहीं बनता, कान का नहीं बनता, स्पर्शन का रचना का ग्रहण का, स्पर्शन रचना ग्रहण बस, और बाद बाकी सन्निकर्ष नहीं, दूर की यहां से देख रहे, इनको देख रहे, लेकिन उसका भी एक क्षेत्र है, बहुत दूर हो तो नहीं दिखेगा। बहुत दूर हो तो नहीं मिला। तो ये इंद्रिय ज्ञान मत ज्ञान सुत ज्ञान अनेक प्रकार के पराधीन है। पहली पराधीनता तो कर्म के छह उपशम की है, दूसरी पराधीनता इंद्रियों की स्वस्थता की है। बीमार आदमी कुछ नहीं समझना, कभी कभी कोई ऐसा आया तो वो गंध नहीं लगती, गंध नहीं आती, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, कुछ नहीं दिखता। और फिर उसके नाना प्रकार के, अगर और कमजोर हो तो उपकरण, कान में बिल्कुल पास में बैठे तब माइक लगो तब सुन रहे, और हो तो मशीन लगे तो सुन रहे, और कम हो तो नहीं सुनाई दे मशीनों पे, चश्मा के नंबर का चश्मा, अब अंत में फिर अब चश्मा नहीं काम करता। अनेक प्रकार के पराधीन, स्वाधीन सुख के लिए स्वाधीन ज्ञान जाए, स्वाधीन सुख की प्राप्ति के लिए स्वाधीन ज्ञान जाए। पराधीन बुद्धि, पराश्रित बुद्धि, पर के बिना अपने अस्तित्व कोई कल्पना नहीं कर पाती, शरीर से भिन्न मेरा कोई अस्तित्व है ये नहीं सोच पा रहे। कहा था ना, जिस जिस प्रकार शरीर को और अपने को एक मानता है, जिस जिस प्रकार का अर्थ किया था, सर्व प्रकार से पूरी दो, कहता है व्यवहार न से शरीर और आत्मा एक है, मानता है पूरा ही है। पंडित जी की भाषा बोलो, शरीर छूटेगा तो मैं ही मर जाऊंगा ऐसा लगता है। डिब्बा में से मिश्री अलग करो तो मिश्री का क्या गया,
छिलका में से बादाम निकालो, बादाम का क्या गया? लेकिन देह से भिन्न आत्मा की कल्पना, मरण के नाम मात्र से ऐसा लगता है मैं मर जाऊं, मैं बीमार हो गया, जब देखो तो वही रोना शरीर का, शरीर 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 शरीर। अरे ज्ञानी भी शरीर का तुम्हें ध्यान दिलाते हैं, लेकिन ये ध्यान दिलाते हैं शरीर को सर्वथा कमजोर बीमार बनाओगे, आलसी प्रमादी बने रहोगे, लापरवाही करोगे, कल तुम्हारा धर्म ज्ञान छूटेगा, इसलिए कह रहे हैं। निमित्त निमित्त संबंध का ज्ञान कराते तुम्हें, इसलिए कह रहा थे तुम्हें अपने कार्य की सिद्धि करनी है। मान लेना चाहिए, जिद मत करो। स्वाधीन सुख के लिए स्वाधीन ज्ञान चाहिए। कोई दृष्टांत कई बार दिया है आपको, देखो भाई उधारी के पूंजी से व्यापार शुरू कर लो, नहीं है कोई बात नहीं, उधारी की पूंजी से व्यापार शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश ये करो जल्दी से जल्दी अपनी पूंजी बन जाए। बाद बाकी शौक पूरे करने में लगे रहो और अपनी पूंजी नहीं बनाओगे तो बर्बाद हो जाओ, दीवाला निकलेगा, फिर तुम्हें कोई उधार भी नहीं देगा। अरे भैया बेकार देख ले, वो जानते पैसा है तुम पे कि नहीं, तो ले जाओ नहीं तो रहने, बना बनाया माल रख देते लोग। और जो अपनी साख बना लेता ना है, पराए पूंजी के बल पर शौक नहीं करता है, फैशन नहीं करता है, नाना प्रकार की अपनी इच्छाओं की पूर्ति में नहीं लगा रहता, उसको बोलो तुम तो ले जाओ, नहीं साहब हम नहीं ले जा पाए, हम इतना ही ले जाएं जितो बिकट जाए, हम हमें तो टाइम पे देना तो है। उनके लिए उधारी की पूंजी भी खूब तैयार है, लेकिन जो उधारी की पूंजी पर ही जीना चाहते हैं उनको अंत में उधारी की पूंजी भी नहीं मिलती, कोई उधार नहीं। ये दृष्टांत समझ में आता है तो यहां भी यही लगा, मतलब ये है ये तुम्हारा जिस इंद्रिय ज्ञान का तुम अभिमान कर रहे हो, होशियार समझ रहे हो अपने को, थोड़े असंगी पर्यायों में चला जाता है, ये पूंजी भी गई। नफा द्रव्यते है नहीं, नफा भावते हो, भाव विहीन हो जो पुरुष पूंजी गांठ की खोर। तुम्हारे पास कितनी थोड़ी तो बुद्धि है और सो भी तुम विषय कथाओं की पूर्ति कैसे किया जाए, इसे बचा कैसे जाए यहां ये सोचते हो। लौकिक क्षेत्र में बहाने बनाने से भी अपना ही तो नुकसान होता है, वैसे कल वैसी साहब याद नहीं थी, हम दवाई नहीं खा पाए तो हम क्या करें, बुखार तमाव नहीं होता है, वो आवाज खा दी और हम क्या करें बता, और चार छह दिन का वो हमें भाई हमारे पास नहीं है, जा किसी दूसरी बैग पर जा, हम क्या करें, वो हमें ध्यान नहीं रहो तो बच्चासनी नहीं बनाई थी काऊ ने, कह के देखो काऊ तब पतो पड़े, इलाज भी तुम ऐसे कर रहे जैसे कल पे एहसान कर रहे हो। हम तो कई बार तुम लोगों से कह देते हैं, वैसे ही थोड़ी कह देते हैं कि बेटा तुमने व्रत लिया, तुमने इस मार्ग में आए, घर पर और समाज पर एहसान नहीं किया है, घर वालों पर और समाज पर एहसान नहीं किया है, आप उनके ऊपर क्यों हावी हो, हमारे लिए ये होना चाहिए, हमारे लिए क्यों, तुम्हारे लिए हम तुम्हारे लिए करते हो, और तुम्हें घर से जरूर अगर अपेक्षाएं हैं तो घर की अपेक्षाएं फिर पूरी करो तुम, रौब क्यों गांठते हो। बाबा जी कह रहे अपने त्याग का कभी रौब मत गांठना। भोजन करने गए भाई, तुम्हारे उदय प्रमाण सहजता से उसको मिल गया, भोजन कर लो,
इनको क्या करना चाहिए ये कभी मत सोचो। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए हमारी रसी। अरे तुम्हें ध्यान रखना चाहिए रसी क्षमता के लिए की जाती है, जितेंद्रियता के लिए की जाती है। अगर मान लो रसी के दिन बिना रसी रस का नहीं बन पाया तो आप जो रूखी सूखी जितनी है उतनी आप खा लो। अरे रे तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, हमें भी तो ध्यान रखना चाहिए कि हर परिस्थिति में भेद ज्ञान, हर परिस्थिति में समता। अगर हम नहीं करते, अगर हम ये बात का ध्यान नहीं रखते तो हम अपने प्रति अन्याय कर रहे, अपना पाप का बंध बांध रहे, अपने ज्ञान को और बुद्धि को और पुण्य को छीन कर रहे। क्यों भैया विचार करो, आत्महित के लिए नहीं रहे, आत्महित के लिए सुन रहे हैं, आत्महित के लिए बैठे हैं अपन मनुष्य पर्याय में। ये बुद्धि नहीं नहीं बुद्धि ये मत लगा, नहीं नहीं बुद्धि इधर उधर मत लगा। पद्मनंदी स्वामी ने कैसा लिखा है बुद्धि के संबंध में बोलो। आत्म स्वभाव से निकल करके बुद्धि जो गेयों में प्रवर्ती है व्यवचारणी बुद्धि है, व्यवचारणी बुद्धि। चली थी दौनगिरी में चर्चा तो बोली जी क्या है? कहीं घाटा तो नहीं? अरे घाटे का ही व्यापार है, जिसको तुम मुनाफा और लाभ समझ रहे हो वह धन की ओर से समझ रहे हो, तुम्हारा तो उसमें घाटा ही घाटा हो रहा है। तुम्हारा समय जा रहा है, तुम्हारा जीवन जा रहा है, घाटे ही घाटे का है। संसार घाटे का व्यापार है। वह जो कमाई दिखाई दे रही है वह तो पुण्योदय का कार्य है, कमाई का जो परिणाम है तुम्हारा वर्तमान में विकल्प चल रहा है, जुड़ान हुआ योग उपयोग है, वह तो तुम्हारे पाप बंध का कारण है। घाटे का व्यापार, लाभ का व्यापार तो रत्न त्रय का व्यापार है। तो तुमको ऐसे ऐसे तन गए, हाँ 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 माने हम है, हम कर रहे हैं। अरे तुम कछु नहीं कर रहे भैया। रत्न त्रय का व्यापार माने समता का व्यापार, वितरागता का व्यापार, शांतता का व्यापार, मुक्ति का व्यापार। ये मत शुद्ध ज्ञान अनेक प्रकार से पराधीन है, ऐसा जानकर प्रयोजन परक उपाध्याय परमेष्टि का अर्थ करो। यहाँ उपाध्याय परमेष्टि के स्वरूप में है ना, शास्त्रों के प्रयोजन परक अर्थ को जानते करो। इसलिए इस इंद्रिय ज्ञान के का भरोसा मत करना, आज बुद्धि यह कर ले। बोलो मित्र मेरी, निजी कार्य संवारे लीरी, बोलो जोलो तेरी देह काऊ रोग सोन घेरी है। सन पढ़ लेना बीच में क्या लिखा, अंत में क्या लिखा, आवे जरा ना ही मेरी जासो पराधीन परे। बुढ़ापे में ऐसी याद है बिल्कुल, पर उठा कुछ ले जाता हूँ, अब वे पास में बैठे हुए तब सुन पाए। अवे जरा ना ही मेरी जासो पराधीन परे, जब तक ये तुझे अनुकूलता है। और एक लाइन बहुत सुंदर उसमें लिखी है, बुद्धि जाए ना बिगड़े, जब तक तेरी बुद्धि तेरी काम दे रही है तब तक अपना हित कर लेना। यहाँ तो बुद्धि की बात चल रही, मत सुध ज्ञान की, बुद्धि बिगड़ जाती है। कई बार लोक में कह रहे भैया सठियाए जाए, वहां पे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सब त्याग तो आप कहने लगी थी आप बोलिया बुढ़ापे में बुद्धि बिगड़ गई है।
रोग में, बुढ़ापे में, अधिक दुख में, छूट गांव में बुद्धि एकदम वैसी हो जाती है। जब तक तुम्हारी अनुकूलता है और तुम्हारी बुद्धि ठिकाने है, तब तक अपना काम कर लेना। और बुद्धि बिगड़ेगी फिरता है। और ये तो खोटी होनार का एक ही लक्षण है। एक लाइन आपको लौकिक की याद है, जाय विधि दारुण दुख दे ताकि मत पहले ही हरे। क्यों, जब तक बुद्धि नहीं बिगड़ेगी तब तक दुखी नहीं होगा। बुद्धि अगर रही ठिकाने पर तो आप दुखी नहीं हो पाओगे। और बुद्धि बिगड़ गई, उल्टी उल्टी चलने लगी तुम्हारी, बस आप समाप्त, तुम्हें कोई नहीं सुखी कर पाएगा। बिगड़ी हुई बुद्धि दोष दूसरों को देती है और श्रेय स्वयं देती है। अनुकूलताओं का कार्य अच्छा होने का श्रेय तो स्वयं लेना चाहिए, और बिगड़ने के लिए, नुकसान के लिए श्रेय दूसरों को, वो दोष दूसरों को दे। ये उल्टी बुद्धि का काम, टोटो मर्जी की भाषा बोलो, प्रयोजन भूत में नहीं लगेगी, अप्रयोजन भूत में लगेगी। विकल्पों की पूर्ति कैसे हो ये सोचेगी, एनी हाउ क्या हाथ है धन होए, किसी विधि, यह बिगड़ी बुद्धि का लक्षण। चाहत है धन होए किसी विधि, चाहत है मैं शरीर स्वस्थ हो या किसी विधि, चाहे अवश्य खाने पड़े, चाहे कछु करने पड़े, चाहे बोतल चढ़वाने पड़े, खून चढ़वाने पड़े, जो कछ करने पड़े तो कर तैयार है, शरीर ठीक हो या शरीर की ओर है। ये नहीं है हमारी क्षमता समाधि न बिगड़ जा, ये बुद्धि विकल्पों के अभाव में लगना चाहिए, वो विकल्पों की पूर्ति में लगती। जो बुद्धि मानने में लगना चाहिए, वो मनवाने के लिए मचलती है, ये है बुद्धि का। मनवाना चाहता, मनवाने का आग्रह बहुत रहता है। एक बड़ा सेठ और धर्म का काम करने बैठा, मजदूर आया, कहो कितनी बैठी, 60 रुपये दे दी, 40 रुपये दी, रख ले, क्या फर्क पड़ता, उस पे फर्क नहीं पड़ता और तुम पे फर्क पड़ रहा, तुम इतने बड़ी सेठ, तुम पे फर्क पड़ रहा हो, और उस गरीब आदमी से कह रहे तुम्हें, अरे का फर्क पड़ रहा है, रख ले, धर्म का कार्य तो धर्म का कार्य है, तो धर्म के कार्य में तो तुम्हें उदारता बरतना चाहिए, न्याय बरतना चाहिए। तब तो यहाँ देखा पंचम साहब का चार जी टीका करते हुए पंडित जी ने, पंचम काल के धनाढ़ों की ऐसी बुद्धि हुए है, मुंह को बड़ा आदमी जान करके दूसरा कोई अपने कम में दे जाए, मुफ्त में दे जाए, और खराब भी हो गई, कछनी बोलने मैली हो गई, क्या धोली जा कछनी, मुको बड़ा आदमी समझ करके मेरी चीज अधिक में ले जाए, दूसरे की लेने की बात अलग, देने की अलग, लेने की नाप अलग, लेने की अलग, देने का सोच अलग, लेने का सोच अलग। अरे रे प्रभु, ये है बिगड़ी बुद्धि। बिगड़ी माने क्या, बिगड़ी माने जिससे परिणाम बिगड़ते हैं, बुद्धि ऐसे चलती है, अपने भी परिणाम बिगड़े और पर के भी परिणाम बिगड़े, वहां वो इस तरह से वहां बुद्धि चलेगी। ऐसी बातें करोगे जैसे गुस्सा आए,
जैसे अभिमान चढ़ जाओ, जैसे मायाचारी हो, लोभ हो, बुद्धि बिगड़ी, माने क्या बिगड़ी परिणाम। ये मत शुद्ध ज्ञान का क्षोभ थोड़ा है सो भी बिगड़ गया है, बड़ा बैराग का दृष्टांत है कि देखो प्यासा व्यक्ति चला, नहीं चला खोदो कछ निकले पानी, खोदते खोदते बेचारा थक गया, फिर चट्टान निकल पड़ी, नहीं हिम्मत नहीं आ रहा चट्टान खोली और फिर पानी निकलो, तो थोड़ा सा पानी और सो भी एकदम कड़वा था, मानी चलो देख पिया सो बहुत सुख। हरे रे प्रभु, पाप के उदय में क्या होता है। अबे तुम बातें बना तो हमारे बड़े पाप को उदय जरा नहीं, अपनी मन में क्या करें हमारे पाप को उदय, हमारे पाप को उदय, तुमने पाप का उदय देखा नहीं है। एक कहानी पढ़ी थी हमने शायद बीएफएम पड़ी हुए कहूं, वो पता नहीं कुड़कुड़ा थी क्या करे, वो हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत हैरान, छोड़ के चली, फिर जाने कोई पत्र, उसने कहा काश तुमने दुख देखा होता, काश दुख देखा होता तुमने, अबे तुमने दुख देखो नहीं है, मर भी फिर रहे। कहा तुम रे जी कौन दुख है, कहा दुख है, वैसे ही गाती और जिन धर्म विनर मुक्त हो मां चक्रवर्ती थी शास्त्र जो दरिद्रूपी जिन धर्मानुवास है वैसे ही कहती हो, और भाव क्या तुम्हारा चलता है, जिन धर्म छूटा तो छूटिया है, हमारा वैभव पद प्रतिष्ठा हमको मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए चाहे, वो हम राजी है। मान सम्मान भोग संयोग पद प्रतिष्ठा मिले या तो न मिले तो नहीं मिले, क्या करने अपन को, पढ़ो कि जिन धर्म विनिर्मुक्त हो मां बाप चक्रवर्ती क्या चेटो दरिद्रो की जिन धर्मान बात, क्या भाई क्या बात, क्या कोई पूछता नहीं, यहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ फलाना है। अरे रे प्रभु, उन वितरागी संतों को देखो, उन ईश्वरों को देखो, कहाँ गए थे, जिनको तुम चाहते हो मैंने तो भी छोड़ के गए थे हैं। हमारे अध्यापक कभी कभी बच्चे चालाकी की बातें करते थे, बेटा तुम जैसे करे तो हम भूल गए, तुम हमें पढ़ा रहे, हम तुम्हारी उम्र पर रहे, तुम जितने तो हमें बता सकते तो हम भूल गए। मतीश्वर से ज्ञान अनेक प्रकार से पराधीन है, लेकिन है सो है, अब करेगा ये पूंजी है। अब तुम कहो हमारे पास पूंजी नहीं है, चाहे ये शरीर को पूंजी मान के भाई मेहनत मजूरी कर ले थोड़े समय और पूंजी बना के व्यापार में लग गया, दो उपाय, या तो पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है भीख मांगो दर दर की ठोकरें खाओ, या फिर इस शरीर को ही पूंजी मानकर जो तुम्हारे पास है ताई से पूंजी बना ले और उस पूंजी से व्यापार कर लो। बताया था ना वो सेठ के पास, एक सेठ ने तो सदावर्त खोल दिया, जाओ भैया जो भूखे प्यासे हैं रोटी खाओ आराम से मस्ती से, और दूसरा सेठ आते थे तो उसको शिक्षा देते, जो जिस लायक था उसके लायक काम बताते, भिखारी नहीं मनाता। तो वो आया अठक अच्छा लड़का स्वस्थ संतुष्ट, हमारे पास पूंजी नहीं है, बोले भैया ये स्वस्थ शरीर है ये पूंजी है तुझे, तुझ होश है, मेहनत मजूरी करेगा नौकरी करा जा,
संध्या को पूंजी हो जाए थोड़ी, आठ दिन करेगा थोड़ी, जैसे अब कर रहा हूं एक दिन आठ दिन की कर ही कर, आठ दिन में पूंजी इकट्ठी हो जाएगी। तो भैया ये मत ज्ञान जैसे हमने शरीर के संबंध में कहा था उसी प्रकार यहां समझना, क्या ये शरीर बहुत दुष्ट है, दुर्जन है, घिनावना है, मलिन है और जो कुछ है सो है, लेकिन अब है तो काम तो जाए चले। हमारे एक समाज में बुजुर्ग थे, यहाँ नहीं दूसरी जगह, तो कई बार मीटिंगों में बैठा है उनको, काम में लगा उनको, ऐसे करें वैसे, मैं एक दिन बैठे बोले क्या कहें, हम जानते हैं जो इतने लापरवाह हैं, फुर्सत नहीं है व्यापार में, ऐसे लगे इन्हें के पास ऐसी है, लेकिन करें का काम ही नहीं चले। बोले हम दुकान पर आ जा तुम्हारे, चलो हम चल रहे तुम्हारे संग, चलो अब क्या करें, जैसे है तैसे काम तो नहीं चलेंगे, अब क्या करोगे, भगवान अरहंत जैसा परम अवतारी शरीर कहां से लाओगे, तुम ये बताओ, अब अजय सब संगनन कहां से ले आओगे। ये शरीर जैसा है बहुत खराब है, बहुत खराब, हम जाए हम कह रहे तुम जितो कह रहे तार ज्यादा खराब है छुट्टी भाई, लेकिन हम क्या करें, शरीर से ही तुम्हें धर्म ध्यान करना है। अब चाहे तुम और बिगाड़ ले संकलित परिणाम कर करके, हाय हाय करके, जो अब जो कुछ सामने आए हो या तो शांतता से खाए पी ले अपने और देखो आगे, और नहीं तो संकलित करके बाबू छोड़ दे, कोड़कोड़ा समझा लो या सवेरे लो। तो इसी प्रकार से हम यहां इस ज्ञान के संबंध में कह रहे हैं, क्यों भाई, क्या मत से ज्ञान अनेक प्रकार के पराधी ने छो रहा है, जैसो है जी, पूंजी तो यही है, इसी ज्ञान से भव्य जीवों ने अपना हित किया है। नेका हाथ वहां छो रहे, इन्हीं हाथों से भगवान के चरण स्पर्श करे हैं, इन्हीं कानों से कम सुनाई देने वाले पर भी जिनमानी सुनी है, इस रसना इंद्री को जीत करके इसी कामों से शांति से रूखी सूखी खाए कर तत्व का अभ्यास किया है, चना चबाए कर पढ़े हैं। हम उन मुनराजों के भक्त हैं, शिष्य हैं, कैसे, ये एक गास दुय गास लिन धेणी रस भोयन रय करन, अंजलि पर भक्ति पूर्वक अंजलि में रखे गए शुद्ध आहार प्राप्त, धीरा सरस से कोई मतलब नहीं है, बड़े संतोष से ग्रहण करके वे अपना आत्महित करने में लगे, करना जितना उदय है जैसी क्षयोग समय जितना ज्ञान है तो है, अब कम है तो क्या करना, कम सही, अरे ये क्यों नहीं सोचते, जैसे लौकिक क्षेत्र में तुम जितने हैं तुम्हारे पास आज जितना है उससे भी कितने लोगों के पास बहुत कम है, तुम पे तुम कहते तो दो कुर्ता है, अरे कू पे एक कुर्ता नहीं है, ऐसे भी है, है? विचार तो करो, जो है उससे अपना व्यापार शुरू करो, मुक्त मार्ग का व्यापार, बुद्धि कम है बढ़ जाएगी, घबराओ मत, व्यापारी वसत लक्ष्मी सूते, व्यापारी वसत लक्ष्मी, जुआ से जुआ में नहीं लक्ष्मी बसती, युवा में तो अगर जीते हुए एक आध है तो तौलो तौलो में लगे रहे जो नंगे नहीं हो जाए, ये उल्टी सीधी करे कमाई करे वाले तो अंत में कंगाल ही देखे जाते लौकिक में भी, व्यापारी बसत लक्ष्मी, सदरी से व्यापार करते हैं बेटा लक्ष्मी बसती है उसमें, ऐसे ही ज्ञान दर्शन के द्वारा जो मोक्ष मार्ग का व्यापार करते हैं उनको रतन त्रय की लक्ष्मी, अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी, बात तो हमें ये कहनी है, वो थोड़ी कहनी है, लेकिन वो भी कहनी है, वो दृष्टांत है,
भिक्षा में लक्ष्मी बसती है, जो थोड़ी लिखा है व्यापारे वकत लक्ष्मी। अनेक प्रकार से पराधीन होने पर भी कोई बात नहीं, इसी ज्ञान के द्वारा अपन को काम लेना। नौकरी में बड़ी पराधीनता है, अरे तो है तो अब क्या करें बताओ, जब तक हमारी पूंजी नहीं है तो अब करें नहीं करें तो क्या करें, ये तो मजदूरी बड़ी कठिन है तो है कोई बात नहीं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते जाओ, कल मजदूर की जगह कारीगर बन जाओ, कारीगर से ओवरसियर बन जाओ, मेड बन जाओ, आराम से देख काम कराइयो दूसरे दिन पर, और नहीं तो आज मजदूर नहीं बनोगे तो कल क्या हो बोलो। अरे इन भगवंतों की सेवा करो, जो कहते ना हम क्या करें, हमें इतनी बुद्धि नहीं है, तो बुद्धिमानों की सेवा करो, ये का कम काम है। जिनका मन लगता है धर्म ज्ञान में, मन नहीं लगता क्या करें, मन नहीं लगता, जिनका लगता है उनकी भक्ति यही कर ले, अनुमोदना कर ले हो, तब तुम्हारा भी लगने लगेगा थोड़ा मत है। ये इसी का नाम तो भक्ति। देखो हमारी तो भक्ति रूढ़ी की क्रिया नहीं है, जिनेंद्र भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति हो, चाहे पूजा हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे सेवा हो, चाहे मिला हो, ये रूढ़ी की क्रियाएं नहीं है, अज्ञान और अभिमान से की भी नहीं जा सकती, अज्ञान और अभिमान से बिल्कुल नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती। भाई परिचय में आया किस्म आया, औषधि आदि आहार औषधि पथ्य कुपथ्य विचार नहीं, मुंडाज के मुंडाज की उसमें आया, पथ्य कुपथ्य विचार के दीजिए, कोई चल करके गर्मी में चला आ रहा और पसीना चूका नहीं, ये ठंडो पानी पी ले, वो मरे वो का हो, चल करके आया गर्म पानी धो, नहीं हाथ पांव धो ले पहले, नहीं गुनगुनो पानी, हमें तो जानते ही नहीं है। उस स्त्रीय चरित्र में यही तो कहा था, उस महिला ने कहा ये चरित्र तुम्हारी किताबन में है कि नहीं है, पढ़ो सुनो, जी तो हमने आज देखो तो क्या करे, फिर क्या मतलब रहो कि हमने ये त्रिया चरित्र के पढ़ लाई और लिख लाई, जब तुम्हें अपने प्रयोजन भूत का ज्ञान नहीं है तो अप्रयोजन भूत पंडिताई से क्या मतलब निकले वो ज्ञान से, उसे इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि हित और अहित, पथ्य और कुपथ्य, योग्य और अयोग्य, न्याय और अन्याय, वक्ष और अवक्ष, इतना विवेक नहीं है तो तुम्हें क्या हे और उपाधेय का अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है, स्व और अपना और पराया, बस जी बनो ये पराया, जय अपने ऐसे कर दो, भाई अपने ऐसे कर दो, जो अपनी इच्छा के हैं, जी अपना पराया, जी अपना पराया करोगे तुम, शरीर को अपना मान मान मानने वाला, अरे शरीर को ही पराया समझो, कैसे उनने कहा था शरीर सूख रहा था, क्या हो रहा महाराज, कुछ नहीं दो बगीचे हैं, हमारा पानी भीतर के बगीचे में जा रहा है, क्या सूखता तो सूख गया, कोई अनादर उपेक्षा और द्वेष बुद्धि नहीं थी उसमें, सूखने में बुद्धि चल रही थी, कैसी नहीं सुंदर बुद्धि, सुबुद्धि और कुबुद्धि कहा ना, तो देखो भाई इसी को सम्यक बनाना है, कुर्ता मैलो है, मैलो है, मैलो है, मैलो है, अरे धोए ले मैलो है, अरे भरे को अरे सी ले में, मतलब है कोई जो हमारे पास है उसका सदुपयोग करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो, परमार्थ से भी देखें तो जो हमारा है नहीं उसकी हमें जरूरत नहीं है, और जिसकी हमें जरूरत है वो हमारे में है, निश्चय से भी यही बात है और व्यवहार से भी अभी वर्तमान में यही बात है, जो है उसका सदुपयोग करो, अभाव का रोना बंद करो, मत्सुत ज्ञान अनेक प्रकार के पराधीन है, लेकिन
मत सुर्त ज्ञान के द्वारा ही इस स्वाधीन तत्व का श्रवण करके स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग बनने पर है, इस स्वाधीन तत्व को ग्रहण करके समझ करके इस स्वाधीन ज्ञान प्रकट करना है। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वाधीन ज्ञान है कि नहीं? अतीन्द्रिय ज्ञान स्वाधीन ज्ञान है, वह स्वाधीन सुख का कारण है। इसी ज्ञान के द्वारा आपको उपयोग कर लेना चाहिए। करते करते नहीं, अटक अटक करके नहीं, उसे सुनते सुनते नहीं, सुन करके निर्णय करो, निर्णय करके भेद ज्ञान करो, अंतर्मुख हो और अपना काम कर लो। कि महाराज सुनने में तो बहुत सरल लगता है, सुनने में जितना सरल लगता है उससे ज्यादा सरल है, ध्यान रखना। सुनने में जितना सरल लगता है उससे ज्यादा सरल है, लेकिन असन भव्य जी, पुरुषार्थी जी, विनयवान जी, सरल जीव के लिए सरल है। कुटिलता वस्तु के स्वभाव में नहीं, कुटिलता तेरे परिणामों में है, कठिनता तेरे परिणामों में है, कठिनता कार्य में नहीं है। अभिमान होता ना वो कठिन है, ये तो बहुत कठिन है। विचार करो, जब बच्चा शुरू में पढ़ने के लिए बैठा, ये कोर्स इतना कोर्स, और जब उसने ढंग से पढ़ाई करी अपनी, अरे बहुत सारे ये फलंदा अभियान है। ऐसे ऐसे विद्यार्थी हमारे देश में हो गए हैं। प्रश्न पत्र पर लिखा कोई से पांच हल करो, उसने भी कॉपी पर लिख दिया कोई से पांच यहां से। देश का राष्ट्रपति वैसे ही नहीं बनेगा। कोई से पांच प्रश्न हल करो हैं, उन्हें कॉपी पर पहले नोट लगाया कोई से पांच प्रश्न जांच लो। ऐसी है, लेकिन सरल कितने। चपरासी का तो सुना था तुम्हें, चपरासी कमरे का झाड़ू लगा रहा, बड़ा काम सब उसका काम करता था। तो मैंने क्या, वो गिर गई उसकी कलम और उनकी निगाह पड़ी, जो आवाज आई जैसे ही देखी सो एकदम उनका पारा चल गया। जी कलम, ये तो अभियान किसने दी थी, बहुत अच्छी तरह मिली थी। जी कलम दौड़ के नहीं रह गई तुझे, कैसे काम करता हाथ नहीं। बेचारा चुपचाप सुबह सुबह करके रह गया, झाड़ू लगाई बाहर जाकर के बरामदा में जा, थोड़ी देर में बैठे बुलाया, हाथ पकड़ा, बोले क्षमा करोगे, हम तुमसे तुम तो हमारी सेवा करते हो और हम तुमसे आ जाते थे, जन क्या क्या कह गए, क्षमा कर रहे। बोले बाबू जी गलती हो गई, जब गुस्सा हो तो आपका गुस्सा वाजिब है, हमारी लापरवाही हो गई तो गुस्सा तो आपका उचित था। अरे उचित अच्छी की बात नहीं, क्षमा कर रहे, तभी हाथ छोड़ेंगे। बोलो आज हम मोछू और त्यागी और सब जी नहीं लगता कि हम क्षमा मांगना और क्षमा करना नहीं आता, बस कुड़ता रहे। उदय की तीव्रता में आ जाना स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, लेकिन बस कुड़ करे। अब तुम झुको, तुम कहो, सामने वाले को झुकाने के लिए, सामने वाले से मनवाने के लिए तैयार बैठे, 24 घंटे हो गए, बताइए कुछ क्या, कुछ एक महीना हो बस बन बैठे, तब तक बन बन मुन मुन मुनो में चल रही, भीतर भीतर पाप आ रहे, हरी हरी प्रभु। तब लिख पाया कि कोई से पांच जांच लो। हमारा ये कहने का मतलब है यहां ज्ञान का छयोपशम तपश्चरण से होता है, ज्ञान का छयोपशम भी तपश्चरण से होता है, विषया शक्ति से अभिमान आदि कषायों से ज्ञान क्षीण होता है। वैसे ही थोड़ा है, क्षीण मत करो, अपने मुनि लगता ही नहीं, सो गए बस खत्म, नींद भले नहीं आई, पड़े रहे और सो गए,
और किन्ने ऐसो बिन्ने ऐसो थे ऐसो वो ऐसो। अरे ये पागल हो रहा है, पागलपन को छोड़। मत्सुत ज्ञान अनेक प्रकार के पराधीन है लेकिन मति श्रुतता उपाधि है ना उसकी। इसके जो ज्ञान चल रहा है ना वो तो स्वाधीन है ना, वहीं का वहीं रोक दे बस पर। ये सैद्धांतिक विषय है, वहीं का वहीं रोक दे ना। इंद्रियों के द्वारा निकलने मत दे उसको, अब स्वाधीन हो जाए। स्वाधीन माने स्व सन्मुख होता है तब ज्ञान स्वाधीन होता है। जब तक ज्ञान पर सन्मुख है तब तक पराधीन। कई बार लोग पूछने लगते अब स्वास्थ्य कैसा है, बाहर का तो बाहर का ही पूछेंगे, भीतर का कौन पूछने वाला है स्वास्थ्य कैसा। हम एक बात कहने लगे, हमको ध्यान आए, हमने कहा देखो अपने लायक ठीक है, बाहर लायक अब नहीं है। जब चल रही तो चलो, बाहर जाने आने लायक, बाहर प्रोशन करो, गोष्ठी कार्यक्रम करो, बाहर लायक अब नहीं है। अपने लायक बहुत है, काम खत्म। ऐसे ही ये ज्ञान मत सुत ज्ञान अपने लायक बहुत है, स्वाधीन है। क्यों भाई बोलो, अपने लायक है स्वाधीन के नहीं, अपर के लायक पराधीन है। ये और समझ देना था। जो ज्ञान अपना ज्ञान है वह ज्ञान पर के मोह के कारण, पर के कार्यों को अपना कार्य मानने के कारण, पर गेयों को अपना गेय मानने के कारण पराधीन लगता है। सच बात यह, इसी ज्ञान को आप स्वाधीनता के रूप में देख लो, इसी ज्ञान को पराधीनता के रूप में देख लो। अनादिकाल से पर से विमोहित हुआ जीव अब उस ज्ञान को क्या करें भाई, पराधीन है पराधीन है पराधीन। अब हाथ अब बुखार आएगा पराधीन हो गए मंदिर जाएंगे, अब मंदिर जाने के लिए पराधीन हो गया शरीर का काम। तुम तो चुपचाप हो जाओ मंदिर चले जाओ, अंदर जाने के लिए तो स्वाधीन नहीं हो, वो पराधीन नहीं हो। सबसे कहो हटो, अब हम दर्शन कर रहे, सबसे हटाओ उपयोग और करो दर्शन। अरे वह मंदिर में जाकर के भी तो जब तक अंतर्मुख नहीं होते तब तक दर्शन नहीं होते। अंतर्मुख दर्शन करने के लिए अभी भी स्वाधीन हो, अब का जरूरत है बोलो। क्यों क्लेशित होते हो, संक्लेश परिणाम किसी भी प्रसंग में मत करो। परिणामों का नुकसान बड़ा नुकसान है, परिणामों की कमजोरी है, कमजोरी है। हमने कहा बेटा कमजोर हो गए तुम तो, बोले नहीं। तुम किधर देख रहे, हम किधर पूछ रहे। जो कसायों को रोकने में कमजोर है वह कमजोर है, और कसायों को रोक लेता है वह बलवान है। विचारना हे जिन मात करुणा कर मुझे, अब क्रोध में ले प्यार दे सकूं ऐसा मुझे अधिकार। रुदन मेरा वंद हो सा सुभग हो।